यही वजह है कि जो आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हुक्म चलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, यही वजह है। आप ऐसे हैं तो आपका दोस्त भी ऐसे होगा, उसका बेटा भी ऐसे होगा। शादी नहीं करनी है मुझे, आपकी पसंद से शादी नहीं करनी है मुझे, अपनी मर्जी की शादी करनी है। कौन है वो लड़का, किसे पसंद करती हो तुम? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता है ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तुम चुप करो, अंधी बैरी औरत, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? ये फहीम, फहीम खुदा की कसम मैं आपके सामने कसम खाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरा यकीन करें। यही बात है कूड़ मगज औरत, देखो देखो अपनी बेटी को कैसे बाप के मुंह को आ रही है, किस बूते पर, कौन है जो इसे शह दे रहा है? कोई है कोई, कौन है वो लड़का? यूनिवर्सिटी का लड़का है ना, इसलिए जाती है तू यूनिवर्सिटी? कल से तेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद, कदम भी घर से बाहर निकाला तो टांगे तोड़कर पलंग पर डाल दूंगा। तेरी ये मजान मुझसे कहती है कि पसंद की शादी करेगी? मोबाइल कहां है इसका, कहां मोबाइल? दे मोबाइल, मोबाइल दे, दे ये हाल करूंगा तुम दोनों का, 10 मिनट के अंदर अंदर तुम मेहमानों के सामने नहीं आई तो 10 मिनट, 10 मिनट। जवानी थी मैं तुम्हें, समझती नहीं हो मेरी बात? शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने मेरी बात की लाज रख ली और हाँ कर दी, वरना हम तो समझे थे कि पता नहीं कितनी जूतियाँ घिसवाएंगे आप। नेक काम में देर कैसी ताहिर भाई, अब तो यूं समझें कि ये हमारे घर में आपकी अमानत है। वो सब तो ठीक है भाई साहब, मगर शादी ऐसी जल्दी में नहीं करूँगी जैसी जल्दी में आप दोनों ने ये रिश्ता तय किया है। भाई 100 तरह की तैयारियाँ होती हैं, 100 तरह के अरमान है मेरे, ऐसे हथेली पे सरसों नहीं जमाऊंगी भाई, अभी से सोच लें आप लोग। थैंक यू। किस चीज के लिए? खाने के लिए? हाँ इसके लिए भी, और हरीम से दोस्ती खत्म करने के लिए ज्यादा। आपसे किसने कहा है कि मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी है? वो बार बार आपको फोन कर रही थी लेकिन आपने फोन उठाने के बजाय फोन बंद कर दिया, इससे मैंने अंदाजा लगाया। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा लेकिन आपका अंदाजा गलत है। अच्छा तुम अब भी उसकी दोस्त हो? आरिफ मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एकदम से हरीम के बारे में इतना क्यों सोचने लग गए? पता नहीं बस उसे देख के अजीब सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे वो एक खुदगर्ज किस्म की लड़की। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरी एक ही दोस्त है। और उसे आपकी दोस्त रहने दूं? ये बात मुझे याद है, आपने ये बात कहते वक्त प्लीज भी लगाया था आगे पीछे 2 बार, याद है मुझे। वैसे भी किसी के लिए राय कायम करना, जजमेंट पास करना अच्छी बात नहीं होती। सॉरी अब इस मौजू पर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। थैंक यू। आपके लिए नवाबशाह से क्या लेकर आऊं? कुछ भी नहीं। अरे हाँ वो एक चकरा बाजार में एक रबड़ी की दुकान खुली है, नहीं बहुत अच्छी है, आते वक्त वो ले आऊं? आप जानते हैं मुझे रबड़ी पसंद नहीं है।
इसलिए रहने दे। अम्मी के लिए कोई पैगाम, कोई बात? उन्हें मेरा सलाम कहिएगा और मेरी तरफ से बहुत खैरियत पूछिएगा। ठीक, और इस बार मैं दुकान भी देख कर आऊँगा जहाँ शादी के बाद मैं कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स का काम शुरू करूँगा। तो मैं बहुत सारी तस्वीरें खींच कर तुम्हें सेंड करूँगा, जिस पर तुम हाँ कहोगी बाद में वो खरीद लूँगी। ठीक है। बस ठीक है बोलोगी, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगी? हाँ, मेरा वही मतलब था, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये लो खाना खा लो। खा लो थोड़ा। देखती हूँ कब तक भूखी रहोगी। इंसान से मंगनी क्यों कर ली? बोरिंग है, तब बोरिंग है कि बस। जरी तो ये आ जाती है। जरी क्या है? हरीम को देखा है क्या? आज क्या आई है वो या नहीं? और मुझे रूही भी नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। हाँ, रूही बता रही थी उसकी बात बात हुई है, वो परेशान है। अच्छा, रूही ने बताया कि क्यों परेशान है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम खुद ही पूछ लो। हाँ यार, वो असल में कल छोटी सी लड़ाई हो गई थी, फिर मुझे वो कॉल्स कर रही थी, मैं उठा नहीं सकी। मैंने कॉल की तो फ़ोन ऑफ जा रहा है। मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने कहा मैं पूछूँ कहाँ पर है। मैं मनाना चाह रही थी उसको। ओ आई सी, मुझे नहीं पता। चलो थैंक यू। एक्सक्यूज मी, समीन, समीन बात सुन। मैंने बाद में रियलाइज किया कि मुझे आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, ना आपसे और ना आपकी दोस्त से। आई एम सॉरी। आप सीरियसली ये कह रहे हैं? हाँ, मैं सीरियसली ये कह रहा हूँ। अपनी दोस्त को भी आप मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। Ha ha ha!
करीम, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बताओ तो। अच्छा बैठो, अच्छा बैठो। ऐसे क्यों रो रही हूँ? मेरे दिल को कुछ हो रहा है, क्या हुआ? जहर खा के मर जाऊंगी जमीन, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी नहीं करूंगी मैं। पागल हो गई हो? ऐसी जज्बाती बातें नहीं करते। मैं सच कह रही हूँ, इतनी बेइज्जती के बाद ना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन अच्छा रोना तो बंद करो, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी, लेकिन अब लगता है उस खबर का कोई फायदा ही नहीं है। क्या खुशखबरी? तुम्हारी शादी हो रही है। वो तुम्हारा फराज है ना, उसने आज मुझे खुद रोका और मुझसे बात की। फराज ने? हाँ फराज। क्या कह रहा था? क्या समीम, मुझे सब कुछ सब बताओ, डिटेल में बताओ, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, उसने मुझे कहा कि सॉरी, और मैंने रियलाइज किया कि मुझे इस तरह से करना नहीं चाहिए था। उसने खास तौर पर कहा कि तुमसे भी सॉरी बोल। तुम सच कह रही हो ना? मैंने कभी झूठ बोला है तुमसे? इसका मतलब है, इसका मतलब है फरहास के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो गई। इसका मैं इंतजार कर रही हूं। क्या हो गया? उसने सॉरी बोला, आई लव यू नहीं बोला? तो मैं कह दूंगी, मैं बल्कि तुम कह दो ना समीन। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैं कैसे कह सकती हूँ? समीन प्लीज यार, मेरे खातिर, तुम सब जानती हो ना, तुम तो जानती हो ना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है समीन। एक तुम ही तो हो समीन जो मुझे समझती हो, मेरी हालत को समझती हो। प्लीज समझ लो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? समीन बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक बार जाके फराज से बात कर लो। क्या बात कर लूं? और क्यों बात करूं मैं उससे? उसे समझाओ ना, उसे मेरी सिचुएशन समझाओ, ये सब समझाओ ना उसे, उसे सब कुछ सच सच बता दो तुम। और उससे क्या होगा? उसे कहो बस एक बार मेरे घर आ जाए अपने माँ बाप को लेकर मेरा रिश्ता मांगने के लिए। तुम होश में तो हो? ये बात तुम खुद अपने मुँह से कहोगी? मैं नहीं कहूंगी समीन, तुम कहोगी ना। मैंने तो घर से बाहर निकलने पाबंदी लगाई हुई अब्बा ने। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं हरगिज ये बात नहीं करूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। समीर तुम्हें अपनी बात नहीं करनी है, तुम्हें मेरी बात करनी है उससे। प्लीज यार, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना समीर। जो भी कह लो, मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज ना, मेरे अम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है समीर। प्लीज समीर, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, रहम खाओ मेरी हालत में, मैं मर जाऊंगी यार समीर। वो एक बार रिश्ता लेकर आ जाए ना समीर, मैं अब्बा के सामने, पूरी दुनिया के सामने डट के खड़ी हो जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज मैं उससे कोई बात नहीं कर सकती, ये कोई मजाक नहीं है और ये मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं करोगी ना मेरा काम? तो नहीं करोगी ना? शर्म नहीं आती, अपने माँ बाप का ही सोच लो। Thank you.
पहले सोच तो लूं कहना क्या है। तो नहीं वो क्या सोचेगा। लड़की सच में कुछ ना कर ले अपने साथ। Excuse me. Your phone is ringing. Oh. Thank you. Hello. 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 मैं समीन बात कर रही हूँ, आवाज आ रही है? Hello. Hello. कौन बात कर रही है आप? मैंने कहा ना, मैं समीन बात कर रही हूँ, हरीम की दोस्त। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। देखिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं इस वक्त जिम में हूँ, यहाँ पे सिग्नल्स काफी वीक है। आपको जो कहना है जल्दी कहिए। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, उसके लिए मुझसे मिल सकते हैं प्लीज? जी, मेरे क्लासेस ऑफ है एक हफ्ते के लिए, रिजल्ट्स के लिए मैं फिर आऊंगा, तो फिर बात कर लीजिएगा आप। नहीं नहीं, बात इम्पोर्टेंट है, मुझसे आज किसी तरह से मिल लें। हेलो हेलो हेलो, ये किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, मुझसे प्लीज आज किसी तरह से मिलने। अच्छा ओके, देखिए मैं आपको वॉइस नोट भेज रहा हूँ, काइंडली वो सुन लीजिएगा आप। ओके ओके। हेलो, मैं इस वक्त जिम में हूँ और यहाँ पे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मुझसे कोई काम है तो आज शाम को रेस्टोरेंट आ जाए, मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। उनसे फ्री होके फिर मैं आपसे मिल लूंगा। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, इस नंबर पे आ सकती हो तो। पता नहीं मैं ये ठीक कर रही हूँ या गलत। अम्मी से क्या झूठ बोलूंगी, खुदा तुम्हें समझे हरी, क्या क्या करवा रही हूँ मुझसे। देखिए मुश्किल। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया।